अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टैली का, है ना। यानी सिस्टम में डायरेक्टली हम लोग देखेंगे सिस्टम में हम लोग टैली स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले टैली यहाँ पे सॉफ्टवेयर होना चाहिए आइकन, ठीक है। आइकन यहाँ पे रहेगा तभी ओपन कर लेंगे, या फिर हम लोग इधर से जा करके ओपन कर सकते हैं। टैली इंस्टॉल किया हुआ है तो तभी इधर मिलेगा, और इंस्टॉल किया हुआ नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो टैली हम लोग यहाँ पर है, इसको क्या करेंगे डबल क्लिक करेंगे, दो बार ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। और वहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, प्रेस हो गया तो इस तरह से खुला। तो अभी क्या यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, क्या दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं होम पेज, इसको क्या बोलेंगे होम पेज बोलेंगे इसको, ठीक है। और होम पेज हम लोग आए और कंप्यूटर जब भी हम लोग टैली यानी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंपनी बनाने के लिए सीखेंगे, यानी न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए सीखेंगे, कैसे हम लोग कंपनी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ सीखेंगे कि कंपनी कैसे बनाना है। तो कंपनी बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहीं पर आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस एफ थ्री, क्या प्रेस करना है अल्ट प्लस एफ थ्री, प्रेस कर दिए। अल्ट प्लस एफ थ्री प्रेस किए तो क्या खुला, कंपनी इन्फॉर्मेशन, कंपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको पूरा लिख लेना है, आप लिख चुके हैं, ठीक है। जो नहीं लिखे हैं इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे शो कर रहा है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी होता क्या है, किसको बोलते हैं, लिख लीजिए इसको, सेलेक्ट कंपनी होता क्या है। सेलेक्ट कंपनी में क्या होता है, बना हुआ कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन किया जाता है। यानी इसका यूज क्या है कि जो हम कंपनी पहले बना चुके हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बना हुआ कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन किया जाता है, बना हुआ कंपनी को सेलेक्ट करके ओपन किया जाता है, क्लियर। सेलेक्ट कंपनी के बारे में समझ में आ गया कि जो हम लोग कंपनी पहले बना चुके हैं उसी कंपनी को हम लोग सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रिएट कंपनी, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी का यूज नहीं है उस कंप्यूटर जो हम लोग इसमें, हम लोग कंपनी जो बना लेते हैं, कंपनी बना हुआ कंपनी को सेट करने के लिए होता है, यानी बंद करने के लिए होता है। सेलेक्ट कंपनी का काम क्या है कि बना हुआ कंपनी को जो इधर यानी इस साइड में, इस साइड में अगर हम लोग को जो बना हुआ रहता है इधर, उसको क्या है सेट करने के, जैसे यहाँ पे मार्क कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, इसको बंद करना है। तो सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, और फिर एक बार इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए वहाँ पे इधर कंपनी लेफ्ट साइड में जो था मार्क कंप्यूटर वो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, वो बंद हो गया, इधर बंद हो गया। तो सेलेक्ट कंपनी काम क्या है कि बना हुआ कंपनी को क्लोज करना, सेट करना, बंद करना, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के बारे में लिख लीजिए, इसमें न्यू कंपनी क्रिएट किया जाता है, इसमें न्यू कंपनी क्रिएट किया जाता है, इसमें हम लोग नया कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। नया कंपनी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्रिएट कंपनी। यानी लोग जब भी हम लोग सिस्टम में बैठेंगे, यानी जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, नया कंपनी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है, इसमें हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस किए तो इस तरह से खुल गया, खुला ना। अब यहाँ पे हम कंपनी का डिटेल फिलअप करेंगे। तो अभी मान लीजिए हम कोई भी कंपनी का नाम फिल करते हैं, जैसे हम कंपनी नाम डाल रहे हैं यहाँ पे डी आई टेक्निकल। कंपनी नाम क्या डालें, डी आई टेक्निकल। उसके बाद एड्रेस डालेंगे कि एड्रेस ये है कहाँ पे, ठीक है। सारा कैप्स लॉक आपको ऑन करके टाइप करना है, क्या डालेंगे एड्रेस कहाँ है, धुरुआ बस स्टैंड रांची, ओके। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करके डाल देना है नियर लोयला नर्सरी स्कूल, फिर इंटर, उतना डाल दिए। अब उसके बाद कहाँ लिखेंगे हम लोग, फिर एक बार लिख देना आपको रांची 83404, फिर उसके नीचे लिख देंगे झारखंड, फिर उसके नीचे लिखेंगे फ़ोन 82100667 56। यानी जो भी नंबर है डाल देंगे, ठीक है, कंपनी का जो भी है। अब इतनी हम फिलअप करते हैं, फिर इंटर मारते हैं। कंट्री हमारा क्या है, इंडिया, इंडिया ले लेंगे। स्टेट कौन सा है, झारखंड है। पिन कोड क्या है, 83404, फिलअप कर दिए।
फ़ोन नंबर यहाँ पे फिर कंपनी का मांग रहा है, तो हम लोग फिर डाल दे रहे हैं। फिर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर आप दोनों एक ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फैक्स नंबर नहीं है तो नहीं डालेंगे। ईमेल आईडी, ईमेल नंबर जो भी है आपका, ठीक है, ईमेल नंबर हम लोग डाल देते हैं। डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दिए। फिर वेबसाइट, वेबसाइट अगर यहाँ पे है तो वेबसाइट भी डाल सकते हैं, ठीक है, और नहीं है तो नहीं डालिए। फिर यहाँ पे 1/4/2020, हमेशा यहाँ पे करंट ईयर डालना है, अभी 2020 चल रहा है, 2020 डालेंगे, ठीक है। ये चेंज कब होगा, जब फिर अब 2021 में नहीं चेंज करेंगे, कब करेंगे, अप्रैल में चेंज करेंगे, 1/4/2021, ठीक है, क्या क्या 1/4 ही हमें चलेगा, 1/4/2021 आएगा तब। अभी 1/4/2020 है, 20 ही डालेंगे, 1/4/2020, 1/4/2020, ये फिक्स, ये हम लोग का हमेशा डाल के रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। और इंटर इंटर प्रेस करते जाना है, इंटर 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 इंटर, फिर एक बार इंटर प्रेस कर देंगे, बन गया, कंपनी बन गया। इधर देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है DI टेक्निकल। अब क्या करेंगे, इस्केप बटन प्रेस करेंगे, क्या प्रेस किए, इस्केप बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस्केप बटन प्रेस कर दिए, तो देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, क्या शो कर रहा है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इसको हम लोग को बंद करना है, यानी इसमें हम लोग को काम नहीं करना है। अभी हम लोग काम करेंगे सिर्फ ओनली में, अगर कंपनी बनाने टाइम जिसका अगर ओनली शो किया तो ओनली कर देना है, ठीक है। कंपनी में जब बना रहे थे ना अभी, तो वहाँ पे किसी किसी का शो करता है अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री, ठीक है। तो हम लोग अभी तो कुछ नहीं शो किया इसमें, इसमें नहीं शो किया, जिसका शो कर रहा है वो अकाउंट्स ओनली कर लेंगे। और नहीं शो किया तो क्या करना है, F11 और F2 प्रेस करना है, ठीक है, लिख लीजिए सब, ठीक है। जब कंपनी बनाने टाइम अकाउंट्स ओनली या इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं रहेगा, जब कंपनी बनाने टाइम अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री का ऑप्शन नहीं देगा, तब तब F11 और F2 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद फिर F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स ओनली और इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री का ऑप्शन, का ऑप्शन, हाँ का ऑप्शन, का ऑप्शन, ऑप्शन शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, तब तब F11, तब F11 और F2 प्रेस करना है, यानी F11 पहले प्रेस कर लेंगे फिर F2 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, जनरल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री लिखा हुआ है, यस का ऑप्शन है, इसको नो कर देना है। नो कर देंगे इसका मतलब हो गया कि अकाउंट्स ओनली में हो गया इसका, और इंटर मारते जाना, इंटर 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 इंटर, हो गया। अब क्या हो गया, अकाउंट्स ओनली में हो गया। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री, लेकिन वो काम नहीं करेगा, अभी किस में काम करेगा, ओनली में ही काम करेगा। हम लोग काम किस में करना है, ओनली में। तो गेटवे ऑफ टैली है ये, तो हम लोग इसको भी पूरा लिख लेना है, ये जो दिखाई दे रहा है जितना बॉक्स में बना हुआ है इसको भी लिख लेना, ठीक है। अकाउंट्स ओनली में क्या होता है उसके बारे में लिखिए, अकाउंट्स ओनली में उसमें क्या काम होता है। इसमें लेजर एंड ग्रुप क्रिएट किया जाता है, इसमें लेजर एंड ग्रुप क्रिएट किया जाता है, इसमें लेजर एंड ग्रुप क्रिएट किया जाता है। उसके नीचे शो कर रहा है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में लिख लीजिए, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन है ना, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के नीचे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप और आइटम क्रिएट किया जाता है, यानी जो भी लोग का स्टॉक आइटम रहता है इसमें स्टॉक आइटम क्रिएट किया जाता है, लिख लीजिए स्टॉक आइटम, हाँ ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट किया जाता है। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, ग्रुप और आइटम क्रिएट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं
अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर में क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए। इसमें जर्नल एंट्री किया जाता है, इसमें जर्नल एंट्री किया जाता है, जर्नल एंट्री किया जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर, इसमें क्या होता है, स्टॉक आइटम से रिलेटेड, स्टॉक आइटम से रिलेटेड जर्नल एंट्री किया जाता है, इसमें इसमें स्टॉक आइटम से रिलेटेड जर्नल एंट्री किया जाता है, इन्वेंट्री वाउचर में, ठीक है। इन्वेंट्री वाउचर में क्या काम होता है, इसमें स्टॉक आइटम से रिलेटेड जर्नल एंट्री किया जाता है, ओके। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में क्या होता है, इसमें इसमें लायबिलिटीज, इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स का अमाउंट चेक किया जाता है, टोटल अमाउंट चेक किया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटीज और एसेट्स का टोटल अमाउंट चेक किया जाता है कि हम लोग काम जो किए हैं सही किए हैं या नहीं, ठीक है। और इस चीज़ ध्यान रखिएगा, कैंसिल करने के लिए यानी पीछे जाने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। एस्केप बटन, अगर जब भी हम लोग पीछे जाना है या फिर बैक करना है तो एस्केप बटन से, और इन करना है तो इंटर। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का बैलेंस चेक किया जाता है, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का बैलेंस चेक किया जाता है। ठीक है, उसके नीचे है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी, इसका काम क्या है, स्टॉक समरी, स्टॉक समरी का काम क्या है, स्टॉक समरी में क्या होता है, जितना हम लोग आइटम क्रिएट कर चुके हैं, आइटम लोग बनाते हैं ना बहुत सारे आइटम, कि ये आइटम है मेरे पास, ठीक है, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ये सब सारे आइटम रखे हैं, तो सब मेरे पास कितना है अवेलेबल, भी मेरे पास कितना है, तो उसको देखने के लिए स्टॉक समरी का यूज किया जाता है। तो स्टॉक समरी में क्लिक करेंगे तो जितना ही मेरे पास आइटम रहेगा, हाँ ये आइटम इतना पीस है इतना रुपया का, तो वो डिटेल शो करता है, ठीक है। लिख लीजिए कि स्टॉक समरी में स्टॉक आइटम का डिटेल शो करता है, स्टॉक आइटम का डिटेल शो करता है कि कितना आइटम अभी अवेलेबल है, कि कितना आइटम अभी मेरे पास अवेलेबल है वो शो करता है। उसके बाद डिस्प्ले है। डिस्प्ले में क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं ट्रायल बैलेंस और डेबुक देखते हैं इसमें, ठीक है। यानी डेबुक में क्या होता है, हम लोग जितना भी एंट्री करेंगे सब यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी तो हम लोग किए नहीं है तो अभी नहीं दिखाई देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग काम करना है कहाँ पर करना होगा, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा और वहाँ पे इंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन खुल गया, ग्रुप और लेजर। तो ग्रुप में क्या होता है, इसमें हम लोग ग्रुप बना सकते हैं और लेजर में लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप में क्या होता है, हम बताए थे ना कि आदमी होता है जानवर होता है, उसी तरह से ग्रुप इसमें बना सकते हैं हम लोग। और आइटम में यानी लेजर में क्या बना सकते हैं, कि उसके अंदर में कौन कौन आता है, जानवर के अंदर में कौन कौन आएगा, बिल्ली डॉग ये सब आएगा ना, तो लेजर में बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग लेजर में आएंगे। उसके बाद क्रिएट में आ गए, तो अब हम लोग यहाँ पे लेजर टाइप करेंगे, ठीक है। हम लेजर ग्रुप जो पहले लिखवा चुके हैं वही से देख के टाइप करना है। जैसे सबसे पहले नंबर में क्या है, परचेज, तो लिखेंगे यहाँ पे परचेज, फिर इंटर प्रेस किए, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब अंडर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अंडर, अंडर में क्या होगा, परचेज अकाउंट, परचेज
स्पेस, देखिए साइड में आ गया ना, आ जाएगा। फिर इंटर 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 प्रेस करना है अभी, ठीक है। इस तरह से पूरा बनाना है। उसके बाद क्या है, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का ग्रुप क्या होगा, स्टॉक इन हैंड का स्टॉक इन हैंड। ध्यान देना, इधर आ जाता है, बस पूरा टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, इंटर मारेंगे खुद ले लेगा। स्टॉक इन हैंड हो गया। उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट। इंटर 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 इंटर, इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू हो जाएगा, जब हो जाएगा तो क्या करना है, हम लोग कहाँ देखेंगे, स्केप स्केप, फिर यहाँ नीचे वाले अल्टर में आना है, सबसे नीचे वाले अल्टर में यहाँ पे, ठीक है। नीचे वाले अल्टर में आएंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और फिर इंटर। यहाँ पे दिखाई देगा कि हम लोग कितना बनाए हैं। देखिए अभी हम लोग क्या क्या बनाए, परचेज बनाए, सेल्स रिटर्न बनाए, स्टॉक इन हैंड बनाए, उसका ग्रुप क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से हम लोग सारा कुछ देख सकते हैं एक बार। क्लियर यहाँ तक, ये कंटिन्यू आपको हो जाएगा, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, क्योंकि इसमें किसमें अमाउंट के साथ, इसमें तो बिना अमाउंट के हम बताएं, कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन इसमें नेक्स्ट टाइम क्या बताएंगे, अमाउंट के साथ कि अमाउंट भी डालना है इसमें तो कैसे डालेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसको हम बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए अगर सिस्टम है घर में तो, ठीक है।